हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो वेल की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 575 है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक पीएसयू है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी। फर्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहीं पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए 95 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, जिसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 90 है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स लगे 27 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एजुकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके बीबीटेक और डिप्लोमा पे मिनिमम 70% मार्क्स होनी चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए बीबीटेक और डिप्लोमा पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके डिप्लोमा और बीबीटेक 2020-21 और 2022 पे पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2020 से पहले डिप्लोमा और बीबीटेक पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग का असेसमेंट टेस्ट होगा। अगर आप लोग असेसमेंट टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग उसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो, अगर आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 9,000 पर मंथ मिल जाएगी और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आप लोग को स्टाइपेंड 8,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को एमईआरडी नेटस्पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग असेसमेंट टेस्ट या तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोगों को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 7 सितंबर 2022। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, जिसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और प्लम्बर ट्रेड में से आईटीआई किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ट्रेड अप्रेंटिस वालों के लिए 390 है। इसमें आप लोग को स्टाइपेंड 7,700 से लेके 8,050 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स लगे 27 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एजुकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके आईटीआई 2019-20 और 2021 पे पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2019 से पहले आईटीआई पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके आईटीआई में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को असेसमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग असेसमेंट टेस्ट पे क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अपेंडिसिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को appendicipindia.gov.in पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। appendicipindia.gov.in पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इसमें अप्लाई करने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग असेसमेंट टेस्ट के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोगों को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 7 सितंबर 2022। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को रजिस्टर हेयर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद आई हैव रिटन अंडरस्कोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको आपका क्वालिफिकेशन यहीं से चूज करना है, उसके बाद आपको आपका नेट स्कूल का जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप लोग को यहीं पे फिल करना होगा, उसके बाद आपको आपका रिलीजियन यहीं से चूज करना है, उसके बाद आपको आपका कैटेगरी यहीं से चूज करना होगा, नेक्स्ट आपको आपका पास आउट ईयर यहीं से चूज करना होगा, और चूज करने के लिए फर्स्ट आप लोग को यहीं से आपका मंथ चूज करना है, और उसके बाद आप लोग को यहीं से ईयर चूज करना होगा, नेक्स्ट आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करना है। फिल करने के बाद ईमेल वेरीफाई और मोबाइल नंबर वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी जिसको आप लोग को यहीं पे फिल करके वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपको आपका आधार नंबर यहीं पे फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फर्स्ट आपको आपका लॉगिन आईडी और उसके बाद पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।